तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा देख पिंकी, मैं दिल्ली फ्लावर लेके आया। तो तूने तो बोला था मेरे को कल फ्लावर लेके आई हो। मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम मेरे लिए फ्लावर लेके आओ। मैंने तुम्हें बोला अगर तुम्हें लगता है मेरे लिए फ्लावर लेके आना चाहिए तो तुम मेरे लिए फ्लावर लेके आओ। देयर इज अ डिफरेंस। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम बोलो फ्लावर लेके आना तो मेरे को नहीं लेके आना है ना? नो। तो मैं कभी ये नहीं चाहती कि तुम ना चाहो कि तुम फ्लावर लेके आओ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम चाहो कि फ्लावर लेके आओ, ना कि जब मैं चाहूँ कि तुम चाहो फ्लावर लेके आओ। तू कहना क्या चाहती है, फ्लावर लेके आना कि नहीं लेके आना, लाओ या नहीं लाओ। तुम बहुत बदल गए। कम से कम पहले से तो अच्छा हो ना, या उससे भी ज्यादा बिगड़ गया हूँ अब। तुम पहले वाले बॉबी नहीं रहे। हाँ वो तो है। मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं अपना ब्रेकअप ना हो जाए। एक बात बोलूं तुम्हें, जिस रिश्ते में निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो ना, वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तेरे नालो चली हसी। डर नहीं लगता है तुम्हें किसी चीज से? लगता है कि तुम फिर से चली जाओगी। तुम बाहों में हो और हम हद में रहे, मोहब्बत में कोई इतना शरीफ भी नहीं होता। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। मिनी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। मेरी हेल्प कर दे। बोल ना। मेरी हाथ की लकीरें मिट रही है। तो तू समझी? समझना भी नहीं है मुझे। इसका मतलब तू समझी ना? चुप कर। मैंने सुना तुम बीड़ी पीते हो। बोलो चुप क्यों? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? खामोशी का मतलब मुंह में गुटका है। बेस्ट फ्रेंड, तू कभी मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं देती? चल बता क्या चाहिए तुझे? एक लड़की चाहिए जो रात को फालतू बातें कर करके मेरा दिमाग खाए। मैं काफी नहीं हूँ तेरे लिए? पर तू रात में ज्यादा बात क्या करती है? अब से वक्त का करूंगी। आया बड़ा, मुझे लड़की चाहिए रात में बात करने के लिए। अगर तेरे बदले मुझे कोई पूरा जहान भी दे दे ना, तो बाखुदा ठुकरा दूंगा। कृपया बच्चों का हाथ पकड़ कर रखे। ओए, बोल देना अपने पापा जी ने।
तेरी भी पप्पी ली मैंने। जेंटलमैन हमें बालक देसी, मैंने पटाई तेरी छोरी का लेसी, नीरा चो। क्या पूछ कर मारा तुमने उसे? इसने मेरा कुरकुरा छीन लिया था। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, क्योंकि जिस लड़की के फोन में नेट है वो कहीं ना कहीं सेट है। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया, तुम्हें जो मैंने देखा। जब एक लड़के की शादी होती है तो वो अपने माँ बाप से ज्यादा अपनी पत्नी की सुनने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरतें अपने पति को भगवान मानती हैं और भगवान हमेशा भक्त के वश में रहता है। इसमें पति की कोई गलती नहीं। तुम अपनी औकात दिखा चुके हो, वापिस मत आना, मुझे गवा चुके हो। एक्सक्यूज मी, आप बंगाली हो? हाँ जी। वो मेरे को कुछ बोलना है आपसे। बोलिए। आम ही तुम आके भोली वाली। तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? जो हर मोड़ पर मेरा साथ दे। और तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? जो टाइम दे या ना दे, पर टाइम पर दे दे। अरे मेरी बात का रिप्लाई, टच मैसेज।